नमस्कार, आपका स्वागत है सहेली टीवी में। मेरा नाम संतोष कुमारी है और आज का धारावाहिक है फिशी बिहेवियर इन बॉयफ्रेंड। ये कहानी है एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच में, जिनका नाम है स्वाति और रवि। रवि और स्वाति 5 साल से एक रिलेशनशिप में थे, काफ़ी खुश थे। रवि का जॉब भी अच्छा चल रहा था, तो उन दोनों ने आपस में शादी करने का फैसला किया। रवि को ऑफिस में अपॉर्चुनिटी मिलती है सिंगापुर जाने की, वो सिंगापुर चला जाता है। फिर सिंगापुर से लौटने के बाद जब उसका बिहेवियर टोटली चेंज हो जाता है स्वाति की तरफ, वो स्वाति से कट कट के बात करता है, उसके फ़ोन कॉल्स अवॉइड करता है, उसके टेक्स्ट मैसेज भी रिसीव नहीं करता। जब स्वाति उसे पूछती है कि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है उनके रिलेशनशिप में, रवि का बिहेवियर उसकी तरफ क्यों बदल गया है, तब रवि कहता है कि उसके ऑफिस में काम का लोड बहुत बढ़ गया है, उसको अपने काम पे फोकस करना है। सिंगापुर से लौटने के बाद रवि काफ़ी बदल चुका था, वो स्वाति के कॉल्स अवॉइड करने लगा, टेक्स्ट अवॉइड करने लगा, उससे बराबर से बात नहीं करता था। जब स्वाति उससे पूछती थी कि ऐसी क्या वजह है जो है ना उसके फ़ोन कॉल्स रिसीव नहीं कर रहा है, उसके टेक्स्ट का जवाब नहीं दे रहा है, तब वो बोलने लगा कि ऑफिस में लोड ज़्यादा बढ़ गया है काम का और वो फोकस नहीं कर पा रहा है। हद तो यहाँ तक हो गई, जब स्वाति उसके घर पहुँची तब रवि घर पर नहीं था। तभी उसी वक्त स्वाति ने रवि को कॉल करके पूछा कि वो कहाँ है, तभी रवि ने बोला कि वो घर पे है, थकान की वजह से वो आराम कर रहा है। स्वाति जब सिक्योरिटी गार्ड से पूछती है कि रवि क्या करता है, तो सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि रवि के घर के बाहर एक काली कार आती है जिसने सिक्योरिटी गार्ड ने आज तक कभी नहीं देखा, उसमें बैठ के रवि रोज़ चला जाता है। जब रवि स्वाति से मिलता था तब वो उससे अच्छी तरह बात करता था, अच्छी तरह से पेश आता था। तभी स्वाति के दिल में शक की गुंजाइश पैदा हो गई कि रवि का बिहेवियर इतना अच्छा कैसे है, उसके फ़ोन कॉल्स अवॉइड करता था वो, उसके टेक्स्ट का जवाब नहीं देता था, अचानक फ़ोन में पासवर्ड चेंज कर देना, ये सब साइंस क्लियर थे कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन फिर भी स्वाति का ध्यान एक तरफ था कि वो सब भ्रम है उसका, वो उन सब भ्रम से अपना ध्यान हटाकर रवि और अपने रिलेशन पे फोकस कर रही थी। तब अचानक से रवि का एक दिन कॉल आ जाता है और वो कहता है कि वो हमेशा के लिए सिंगापुर जा रहा है और वह ये रिश्ते को तोड़ना चाहता है। तब भी स्वाति का दिल टूट जाता है और ऐसे हालात में स्वाति करे भी तो क्या, कहाँ जाए वो। स्वाति का दिल पूरी तरह टूट चुका था, स्वाति के पास इतने सारे मौके थे। वो ये सोच में पड़ गई कि रवि ने आखिर उसको क्यों छोड़ा, क्या कारण था, क्या उसमें कुछ कमी थी या उनके रिश्ते में कुछ कमी थी, क्या वो अपने रिश्ते को एक मौका दे सकती थी। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल थे। सबसे बड़ा दुख और झटका उसको तब लगा जब रवि ने उसको बेशर्मों की तरह छोड़ दिया। वो चाहती, उसके पास बहुत सारे मौके थे रवि के ऊपर शक करने के लिए, जब उसका फ़ोन कॉल नहीं उठाया जा रहा था, उसके टेक्स्ट का जवाब नहीं मिल पा रहा था, और सबसे अजीब बात उसके फ़ोन का पासवर्ड चेंज हो जाना। जब कपल्स दो रिलेशनशिप में होते हैं तब उनमें काफ़ी सारी प्राइवेसी, थोड़ी बहुत प्राइवेसी तो होती है, लेकिन कुछ चीज़ें कॉमन होती है जो दोनों प्रेमी और प्रेमिका को पता होती है। हमारे अंदर एक गट फीलिंग होती है जिसे कहते हैं अंदर की आत्मा। अगर हम अपनी अंदर की आत्मा को सुनते हैं तो हमें राइट पाथ मिलता है, यानी सही दिशा। स्वाति के पास भी कई मौके थे रवि को छोड़ने के लिए, लेकिन उसने हमेशा उस चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया। अगर वो उन चीज़ों पर गौर करती जब उसको शक हुआ, तब शायद उससे कम दुख होता। अभी वो डिप्रेशन में है, करे भी तो क्या, उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल थे। क्या वो अपने रिलेशनशिप को एक मौका दे सकती थी, क्या उसको पहले ही फैसला ले लेना चाहिए, जब रवि ने उसे छोड़ा उससे पहले ही उसको उससे पहले ही वो रवि को छोड़ दे। ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में एक ख्याल पैदा करती है। हमारा आज का कार्यक्रम का ये मैसेज है कि जब भी हम लोग रिलेशनशिप में हो, अगर हमें लगे कि कहीं तो कहीं गड़बड़ है, एक बार हो, दो बार हो, हमें समझ में आता है। अगर वो चीज़ें बार बार होती है तो हमें सही वक्त पे सही फैसला ले लेना चाहिए, पर सावधानी से। अगर स्वाति ने वक्त पे ये सब चीज़ों को गौर करके फैसला लिया होता तो शायद आज वो डिप्रेशन में ना होती। पहला थिंग, बार बार उसके कॉल्स को अवॉइड करना। दूसरी चीज़, पासवर्ड बदल जाना। तीसरी चीज़ ये थी कि उसके घर पे जाने के बाद रवि ये बोलता है कि वो घर पे नहीं है, और जब हम लोग आपस में किसी से बात कर रहे हैं अगर उसका ध्यान हमारी तरफ ना हो और वो कहीं और है।
ये सब इशारे इस तरफ होते हैं कि वक्त के ऊपर हमें फौरन प्रिकॉशन दे लेना चाहिए, नहीं तो आज अगर वक्त पे स्वाति उन सब इशारों को नज़रअंदाज ना करती तो वो शायद आज डिप्रेशन में ना होती। लाइक करिए, शेयर करिए और अपने कमेंट्स हमें ज़रूर लिख के भेजिए कमेंट्स बॉक्स पे। अगर आपकी भी कोई ऐसी ही कहानी है तो प्लीज़ हमारे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पे लिंक है, उस पर अपनी कहानी शेयर करिए। धन्यवाद।